हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 92 आवर स्टूडियो। और जैसा कि आपने हमारा वीडियो का टाइटल देखा है, तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है 2D एनिमेशन के बारे में। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ इसके बेसिक्स कवर करेंगे और ये वीडियो उन लोगों के लिए यूज़फुल होने वाला है जो 2D एनिमेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आमतौर पर आपका और हमारा बचपन कार्टून मूवीज़ देखने में ही गुजरा होगा और इन कार्टून्स को कुछ बड़े भी इंजॉय करते हैं, लेकिन एक सवाल जो हमें हमेशा से परेशान करता आया है और वो ये है कि इन कार्टून्स को बनाते कैसे होंगे। तो आइए इन सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री को जान लेते हैं। 1832 में फेनेकिस्टोस्कोप का इन्वेंशन हुआ। ये एक कार्डबोर्ड की डिस्क होती थी जिस पर सेम कैरेक्टर्स को अलग अलग पोजीशंस में ड्रॉ किया जाता था और उसको स्पिन करने पर सारी पिक्चर्स मूवमेंट करती हुई दिखाई देती थी। 1833 में जोएट्रोप का इन्वेंशन हुआ और ये ठीक प्रीवियस टेक्नोलॉजी से सिमिलर था। फ़र्क सिर्फ इतना था, ये एक बाउल शेप में बनाया जाता था और सेम प्रोसीजर से पिक्चर्स ड्रॉ की जाती थी अलग अलग पोजीशंस में, और इसको भी स्पिन करने पर सारी पिक्चर्स मूवमेंट करती हुई नज़र आती थी। और इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स मार्केट में इंट्रोड्यूस किए जाने लगे। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नई टेक्नोलॉजी मार्केट में तब तक रहती है जब तक उसका इंटरेस्ट लोगों में बना रहे, और उस वक्त के लोगों में 2D एनिमेशन को लेकर बहुत इंटरेस्ट साफ दिखाई देता था। और आने वाले वक्त में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला था ईयर 1928 में, जब वॉल्ट डिज्नी ने अपना पहला कार्टून कैरेक्टर मिकी माउस को बड़े लेवल पर इंट्रोड्यूस किया। और ये इतना शार्प और क्लीन था कि इस एनिमेशन को देखने के बाद 2D एनिमेशन के जगत में एक रेवोल्यूशन आ गया। उस वक्त की सारी बड़ी कंपनीज इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने लगी और महंगे से महंगे आर्टिस्ट को हायर किया जाता था इन एनिमेशंस का आर्टवर्क ड्रॉ करने के लिए। जैसा कि आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, आर्टिस्ट की एक अच्छी खासी टीम तैयार की जाने लगी और रेगुलर हज़ारों की तादाद में आर्टवर्क बनाए जाने लगे। हर एक कैरेक्टर को बड़ी केयरफुली ड्रॉ करने के बाद इन पेपर्स को एक बंडल में सेट कर दिया जाता था। इन बंडल्स को सेट करने के बाद इंकिंग टीम को हैंडओवर कर दिया जाता है, जो बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से इन कैरेक्टर्स में कलर फिलअप करने का काम करते हैं। स्टोरी के अकॉर्डिंग कैरेक्टर के साथ आर्टिस्ट की एक टीम बैकग्राउंड भी प्रिपेयर करती है। इन कैरेक्टर्स के कटआउट को बैकग्राउंड पर सेट करने के बाद एक फ्रेम में फिक्स करके तब तक फोटोग्राफ क्लिक किए जाते हैं जब तक एक मोशन को क्रिएट ना कर दें। और जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, ये कितना थका देने वाला काम होगा। और इतना हार्डवर्क करने के बाद फाइनल रिजल्ट्स में आप देख सकते हैं ये आर्टवर्क कितना स्मूथ और सिंपल नज़र आता है। अब मैं ये वीडियो बीच में होल्ड करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे आप लोगों को एक स्टोरी सुनानी है और वो स्टोरी है मेरी। ये 2012 में 2D एनिमेशन इंटरेस्ट था, तो मैंने 7 दिन की मेहनत के बाद जो ये वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियो मैंने बनाया और इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 घंटे की मूवी बनाने में हमें कितना एफर्ट लगाना पड़ता होगा। रेट्रो एरा की बात करने के बाद अब हम आ जाते हैं मॉडर्न एरा में, जो कि ये फुल ऑफ गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी। प्रोसीजर हम आज भी सेम फॉलो कर रहे हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम पेपर पे वर्क ना करते हुए कंप्यूटर की स्क्रीन पर कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लेयर क्रिएट करके अपने कैरेक्टर का मूवमेंट दिखा सकते हैं, जो कि ईजी तो नहीं होता पर लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। और अगर हम बात करें आज के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर की, तो हम हमारे कैरेक्टर को पार्ट्स में ड्रॉ करने के बाद बोन फीचर को ऐड करके अपने कैरेक्टर का मूवमेंट करवा सकते हैं। है ना कितना इजी। एट लास्ट, जो भी आर्टिस्ट ऑल ओवर इंडिया में मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और जिनको 2D एनिमेशन में इंटरेस्ट है, तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्दी से अपने एक फेवरेट कार्टून कैरेक्टर से इंस्पायर हो जाइए और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा सा एंटरटेनमेंट क्रिएट करिए जिसे आप और हम बैठकर एंजॉय कर पाएं। अब इस वीडियो के एंड में मैं उन सारे यूट्यूबर्स के बिहाफ पे आपसे कहना चाहूँगा कि जो लोग वीडियो देखते हैं वो लोग उनका चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अरे यार, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, कितना समय लगता है सब्सक्राइब करने में। हम यूट्यूबर्स को वीडियो बनाने में कितना एफर्ट लगता है, कम से कम 3 से 4 दिन भी लग जाते हैं। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और उन लोगों को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने मेरे लास्ट के 2 जो वीडियो मैंने अपलोड किए थे वो अच्छे खासे हिट हुए हैं, उन पर अभी भी व्यूज़ आ रहे हैं। तो इसी तरह से आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए।
और मैं हर बार की तरह आपके लिए 8 डोज वाले वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।